हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कोफ्ते की रेसिपी। इंतहाई सिंपल, इंतहाई सादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक पैन में ऑयल गरम करें, उसमें एक मीडियम प्याज डालें, दरमियानी होनी चाहिए। इसे अच्छे से फ्राई करें, सादा ब्राउन नहीं करने, लाइट ब्राउन रखेंगे इसे। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हम। लीजिए, हमारी प्याज हो चुकी है ब्राउन। अब इसे एक दोरी में डालें और अच्छे से पीस लें ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। यहाँ हमने लिया एक चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, हसब ज़रूरत नमक, खुश्क पुदीना, दर दर मिर्च, दो चम्मच भुना हुआ चने का पाउडर, हसब ज़रूरत धनिया, दो टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इस सब पिज़्ज़ा को एक मिक्सर में डालेंगे। तमाम मसाला जार जो हम मैंने आपको भी दिखाए, गरम मसाला, पुदीना, धनिया, तमाम अज्जा इस ब्लेंडर में डालेंगे। कीमा डालें, आप कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं, बड़े गोश्त का, मटन और चिकन कोई भी। इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। लीजिए, हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। अब इन बॉल्स को अच्छे से फ्राई कर लीजिए ताकि हल्के से ब्राउन हो जाए, और ग्रेवी में जब हम इन्हें ऐड करेंगे और ये टूटेंगे नहीं। इसे मतवाकर चलाते रहें ताकि एक जगह से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। फर्स्ट टाइम हमें इस कलर में चाहिए ताकि ग्रेवी में टूटे नहीं और पक भी जाए। अब एक कुकर लें, उसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें एक टेबल स्पून, उसमें दो मीडियम प्याज और दो टमाटर ऐड करें। एक चम्मच या एक टेबल स्पून चिली सॉस, हसब ज़रूरत नमक और थोड़ी सी हल्दी। इस तमाम अज्जा को शामिल करें, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे हम इसमें और इसको गलने तक प्रेशर लगाएंगे। तो इसमें अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे।
जब आपको लगे कि ग्रेवी अपना ऑयल छोड़ चुकी है और वो अच्छे से भुन चुकी है, तो आप इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते शामिल करें और इसे थोड़ा सा और भुनें। लीजिए, जब आपको लगे कि अब ये भुन चुका है, फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, और इसे आप दोबारा से कुकर बंद कर दें, प्रेशर लगाएं थोड़ा सा, ग्रेवी को भुन अंदर पकने दें, और लीजिए ग्रेवी तैयार है। इस कंसिस्टेंसी में आपको ग्रेवी चाहिए। होपफुली आपने रेसिपी इंजॉय की होगी, ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बना के कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वेरी सिंपल रेसिपी एंड वेरी डिलीशियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।